हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वे ऑफ सक्सेस हजारीबाग में स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखेंगे। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में क्या है, ये तो बहुत, इसको हम लोग एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्लास 7 का मैथ्स है, हालांकि ये कंपटीशन में भी आता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। पहले रेशियो का मतलब समझिए। रेशियो जो है इसका मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो जब भी होता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म का होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमारा एज मान लो 35 इयर्स हो रहा है, ठीक, और आपका एज मान लो 20 इयर्स हो रहा है, ठीक। तो कोई पूछेगा कि हमारा एज और आपका एज का रेशियो क्या है। ध्यान से देखिए, क्या आपसे पूछेगा हमारा एज और आपका एज का रेशियो क्या है। तो हमारा एज 35 है इयर्स और आपका जो है वो 20 इयर्स है। तो जब रेशियो का बात करेगा तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, तो 5 से 5 बन जाए 35, 5 4 जाए 20, मतलब 7:4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रेशियो का मतलब भी होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो रेशियो लिया जाता है वो हमेशा कंपेयरिंग क्वांटिटीज होता है। अब आप बोलेंगे सर ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या होता है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, हाँ होता है ना कंपेयरिंग क्वांटिटीज, कंपेयर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ईयर्स और ईयर्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ है। अब एक जगह पे 5 kg लिखा हुआ रहेगा, सपोज करो एक जगह पे कहीं पे 5 kg है और एक जगह पे 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, तो क्या ये केजी और ईयर्स कंपेयरिंग क्वांटिटीज है? बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग है। केजी अलग होता है, ईयर्स अलग होता है, दोनों सेम कहाँ है। केजी किसका, मास का यूनिट होता है, ये तो टाइम ईयर्स कितना साल, 10 साल 12 साल ऐसे ईयर्स, ये अलग चीज है, ठीक है। तो ये दोनों का हम लोग कंपेयर्स नहीं कर सकते। तो जो रेशियो होता है वो क्या होता है, रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और वो कंपेयरिंग क्वांटिटीज का होता है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हमने एक रफ आइडिया बताया कि रेशियो क्या है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चन है। पहला है 3 किलोमीटर एंड 300 मीटर। तो आप देख रहे हो कि ये किलोमीटर और मीटर कंपेयरिंग क्वांटिटीज है। कैसे, ये डिस्टेंस को ही बता रहा है, किलोमीटर मीटर डिस्टेंस को ही बताता, कंपेयर करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज आपका मीटर में है और एक चीज किलोमीटर में है, तो जो किलोमीटर में उसको या तो मीटर में चेंज कीजिए या तो जो मीटर है उसको किलोमीटर में चेंज करना होगा, ठीक है, तभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये 3 किलोमीटर हो गया बाय में 300 मीटर, तो क्या होगा 1 किलोमीटर = 1000 मीटर, तो 3 × 1000 मीटर हो जाएगा और बाय में 300 मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 3 3 कैंसिल, तो ऊपर में 10 हो गया, नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 है। तो इसका जो जवाब होगा वो 10:1 होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए। सेकेंड नंबर में क्या है, ₹5.50। तो देखिए क्या, ये हो गया 5 रुपया और यहाँ पे है 50 पैसे। तो आप देख रहे होंगे कि एक चीज रुपया में है और दूसरा पैसा में है, तो रुपया को भी पैसा में बदल दो तो कितना होगा, 5 रुपया है, तो 1 रुपये में 100 पैसा, तो 5 रुपया में 500 पैसा हो जाएगा और बाय में 50 पैसा है, तो E00 कट जाएगा
फाइव टेन जा 50, ऊपर में 10, नीचे 1, 10:1, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स इज टू वाई इक्वल टू 3:4 है तो फाइंड द रेशियो ऑफ 2x + 3y = 3x + 5y। हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, एक्स इज टू वाई इक्वल टू 3:4 है तो एक्स इज टू वाई इक्वल टू 3:4 है और हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ 2x + 3y = 3x + 5y। तो देखो इसको कैसे करेंगे, एक्स इज टू वाई इक्वल टू 3:4 है तो इसको लिखेंगे एक्स बाई वाई इक्वल टू 3/4। क्या लिखेंगे, क्या यहाँ पे लिखेंगे, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 3/4। अब यहाँ से अगर x निकालेंगे x, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 3y/4 हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसका रेशियो निकालना, तो लिखेंगे देयरफॉर 2x + 3y / 3x + 5y, इसको निकालना है, इसका रेशियो, रेशियो का मतलब बाई में कर देंगे, तो ये हो गया 2 × x, x का वैल्यू देखें कितना है, 3y/4 लिख देंगे प्लस इधर 3y, इसको इसी तरह से रहने दो बाई में, फिर ये 3 हो गया × x, x की जगह पे 3y/4 है और प्लस 5y। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, क्या किए, ये 2 था, 2 लिख दिए × x, x के जगह पे 3y/4 है तो 3y/4 लिख दिए प्लस 3y, ये 3 लिखे × x के जगह पे 3y/4 है लिख दिए प्लस 5y। अब हम लोग को क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, कितना हो गया ये 2×3 = 6y/4 + 3y, बाई में देखिए कैसे 3×3 = 9y/4 + 5y। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, तो 4 का टेबल में देखिए एक बार में गए, एक को 6 से इंटू करेंगे तो 6y होगा प्लस 4 का टेबल में 4 बार में गए, 4 को 3y से गुना करेंगे तो 12y होगा बाई 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, 4 का टेबल में एक बार में गए, एक से 9y को गुना करेंगे तो 9y होगा प्लस, फिर 4 का टेबल में 4 बार में आएगा, 4 से 5y को इंटू करेंगे तो 20y हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखें 12×6 कितना हो गया, 18y हो गया और इधर से 4 है और 9y और 20y तो 29y हो जाएगा और इधर 4, ये 4 कट जाएगा, यहाँ से y कट जाएगा, तो ऊपर में 18 बच गया, नीचे 29, तो 18:29 यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, बहुत जल्द ही इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।